पकड़े रहना। नमस्कार, मैं रुबीना सैफी, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। मुरादाबाद विश्व मानवीय रूहानी केंद्र शाखा चकलालपुर में आज निर्धन और असहाय लोगों को निशुल्क कंबल बांटे गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन टिकेता के ब्लॉक अध्यक्ष नीतू चौहान ने निर्धन और असहाय लोगों को निशुल्क कंबल वितरण किए। विश्व मानव रूहानी केंद्र एक चैरिटेबल संस्था है जो समय समय पर निर्धन व असहाय लोगों की मदद करती है। निशुल्क कंबल पाकर निर्धन व असहाय लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अरे पर्ची पीछे ले लो, पर्ची उनको पकड़ा दो, पीछे इनको बोलो, पर्ची पकड़ेंगे। इस मानव रूहानी केंद्र शाखा चकलालपुर कंबल मुझे मिलता है, हर साल मिलता है। जैसे कि आज आपको कंबल मिला, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा बहुत। क्या ये हर साल मिलते हैं आपको कंबल? जी बहुत अच्छा, हर साल मिलता है। रजाई भी व्यवस्था की जाती है, रजाई की व्यवस्था की जाती है। क्या सत्य यहाँ पर सप्ताह में जो ये विश्व रूहानी मानव केंद्र है कि यहाँ पर सस्ता आने लगभग 20 वर्ष पहले ये विश्व रूहानी मानव केंद्र को जमीन दान की और यहाँ ये ठाकुर बलजीत सिंह और कृपाल सिंह जी महाराज, आपके सावन सिंह जी महाराज का ये आश्रम बना हुआ है और उन्हीं के माध्यम से ये गरीबों को हर वर्ष कंबल रजाइयाँ ये वितरण की जाती है। अच्छा, इस बार कंबल वितरण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ के लोग इस कंबल वितरण में कंबल लेने के लिए आए हुए हैं? कंबल जो लेने आए हैं, रनिया ठेर है, गदी खेड़ा है, आपका एरोला है, आपका हिरन खेड़ा है, भीट खेड़ा है, काफ़ी लगभग 20-25 गांव हैं जिनसे जो है महिलाएं, जो विधवाएं हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई जो गरीब तबके के हैं, वो सब लोग आए। अच्छा, अपनी तरफ से कोई गरीब लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या, मैं तो परमात्मा से दुआ करूँगा कि उनके लिए हर वर्ष जो है इसी तरीके से हम जो है व्यवस्थाएँ कराते हैं। कहाँ कहाँ के और भी लोग इसमें कंबल वितरण में आयोजन हिस्सा ले रहे हैं? ये हिस्सा तो खैर जो हिमाचल से